हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं आज आपको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। उसमें से मैं स्पेसिफिकली आपको राइट एंड रीड अ सिंगल कैरेक्टर ऑन फाइल्स ये पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहले है हम नया फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हमारा फाइल एग्जिस्टिंग है तो उसको ओपन कैसे करेंगे, और जो हमने फाइल ओपन किया हुआ है वो हम क्लोज कैसे करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो को रिज्यूम करें। आपके लिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में उसका शॉर्टकट फ्लैश कर रही हूँ, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। फिर भी इन शॉर्ट मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ अगर नया फाइल क्रिएट करना है तो क्या करना है, वही फाइल ओपन करना है तो क्या करना है, एंड वही फाइल क्लोज करना है तो क्या करना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो क्रिएट था वो तो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ओपनिंग भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और क्लोजिंग भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है वो है कैरेक्टर को फाइल पे राइट कैसे करना है, सिंगल कैरेक्टर को, और उसके बाद उसी कैरेक्टर को रीड कैसे करना है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले फाइल कैसे ओपन होता है, क्रिएट होता है एंड क्लोज करना है। सबसे पहले हमें stdio.h फाइल हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, जिसमें ये जो फाइल स्ट्रक्चर है ये प्री डिफाइन है। इस फाइल स्ट्रक्चर का हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है, वो वेरिएबल होता है पॉइंटर टाइप वेरिएबल, बिकॉज ये वेरिएबल में हम फाइल का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। तो ये जो फाइल ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें फंक्शन यूज करना है, वो है एफ ओपन फंक्शन। उसको हमें टू पैरामीटर पास करने होते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है फाइल नेम, जो कि आपको आपकी फाइल को देना है विथ इट्स एक्सटेंशन, एंड जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है मोड ऑफ ओपनिंग ऑफ दैट फाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे मोड, ओपनिंग मोड होते हैं, मिनिमम 6 मोड्स आर देयर। तो आपको अगर ये सभी देखना है तो पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, उनका मीनिंग भी वहाँ पे है, कब हमें डिफरेंट मोड्स यूज करने हैं वो भी वहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ W मोड के बारे में बताने वाली हूँ। W मोड जो हमारा है वो राइट के लिए यूज होता है। ये राइट मोड हमें फाइल क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये जो फाइल नेम यहाँ पे हमने दिया हुआ है, उस नेम का फाइल एग्जिस्ट नहीं है, मतलब हमें वो फाइल नए से क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें ये W मोड हेल्प करेगा। तो ये फाइल का नाम देके ये W मोड नया फाइल क्रिएट कर देगा। उसका जो बेस एड्रेस होगा वो एफ ओपन फंक्शन रिटर्न कर देगा, और वो हमें स्टोर करना है FP वेरिएबल में। हमें याद रखना है FP वेरिएबल जो है वो है पॉइंटर टाइप वेरिएबल, और उसका डेटा टाइप है फाइल, तभी वो उसका बेस एड्रेस होल्ड करेगा। अगर फाइल क्रिएट नहीं हो रहा है, उसके कई सारे रीजंस हैं, वो भी उस वीडियो में मेंशन किए हुए हैं। तो ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न अगर फाइल ओपन नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये एफ ओपन फंक्शन जो है वो नल रिटर्न करेगा। तो ये नल हमें चेक करना है, अगर FP में नल है तो वो इंडिकेट करेगा कि फाइल ओपन नहीं हुई है, बट अगर FP में नल नहीं है तो हमें वो इंडिकेट करेगा जो फाइल .txt हमने नेम दिया हुआ है वो फाइल अच्छे से क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमें
ये f ओपन फंक्शन जो है वो ओपन करने के लिए भी मदद करेगा, क्रिएट करने के लिए भी मदद करेगा। उसके बाद अगर हमें जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इस इफ स्टेटमेंट के बाद हमें करना है, पर अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशन नहीं डाला है। उसके बाद हमें फाइल क्लोज कर देनी है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ क्लोज, उसके लिए हमें एफ पी फाइल पॉइंटर पास करना है। ये हमें मदद करेगा कौन सी फाइल क्लोज करनी है ये डिसीजन लेने में। तो अगर मैं एफ पी यहाँ पे पास कर रही हूँ, इसका मतलब एफ पी जो फाइल पॉइंटर है वो फिलहाल फाइल डॉट टी एक्स टी के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो फाइल डॉट टी एक्स टी ये फाइल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको ये जो बेसिक्स है अभी क्लियर हो गए हैं, और ये बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो वो इंट्रोडक्शन फिर से एक बार देखिए और फिर आगे जाइए, अदरवाइज आपको आगे जाके जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल तो मैं ऐसे अज्यूम करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। तो अभी हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो कि है हमें सिंगल कैरेक्टर कैसे राइट करना है। तो हमें अगर सिंगल कैरेक्टर राइट करना है उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एफ पुट सी फंक्शन। ये एफ पुट सी फंक्शन जो है हमारा फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है फिर से stdio.h हेडर फाइल में। उसके लिए हमें दो पैरामीटर पास करना है। पहला पैरामीटर है जो हमें कैरेक्टर राइट करना है, आइदर वो कैरेक्टर हमें पास करना है, अदरवाइज वो कैरेक्टर हमें एक वेरिएबल में स्टोर करके वो वेरिएबल पास करना है। तो जो कुछ कैरेक्टर हमें राइट करना है वो हमारा बन जाएगा पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर हमें कौन सी फाइल में राइट करना है। तो ये जो सेकेंड वाला है फाइल स्ट्रीम या फाइल पॉइंटर भी हम इसे बोल सकते हैं, तो ये सेकेंड पैरामीटर डिसाइड करेगा कि कौन सी फाइल में राइट करना है। तो ये जो फंक्शन है वो हम यूज करने वाले हैं सिंगल कैरेक्टर राइट करने के लिए। अभी अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली सिंगल कैरेक्टर राइट करता है तो वो जो फाइल पॉइंटर होता है वो अपने आप नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट करता है, मतलब कि वो इंक्रीमेंट हो जाता है। बट अगर ये फाइल राइट करने में कुछ इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नल रिटर्न करता है। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है एफ पुट सी फंक्शन ये फाइल पॉइंटर पे अच्छे से राइट हो रहा है तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाने वाला है, और वो जो कैरेक्टर राइट किया हुआ है वही कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न टाइप होगा वही कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर। तो अगर एट द एंड में अगर हमारा अभी फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पे वो इशू दे देगा, क्योंकि एंड पे ऑलरेडी अगर एंड पे फाइल पॉइंटर है तो उस पे वो कैरेक्टर राइट नहीं कर पाएगा, और वो एफ पी फाइल पॉइंटर इंक्रीमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो इस केस में वो हमें ई ओ एफ वो रिटर्न करेगा। ई ओ एफ स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें मैंने कैरेक्टर सी एच करके जो वेरिएबल है उसमें वेरिएबल ए असाइन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे ये ए कैरेक्टर मेरी फाइल में राइट करना है। तो मैंने फाइल ओपन कर लिया राइट मोड में, क्योंकि मुझे नया फाइल चाहिए था, उसमें ये एक कैरेक्टर मुझे राइट करना है। फाइल का नाम मैंने दिया फाइल डॉट टी एक्स टी, और वो रिटर्न करेगा बेस एड्रेस ऑफ फाइल आफ्टर सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ अ फाइल फाइल डॉट टी एक्स टी। हमें ये सब सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, फाइल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं एफ पी को नल से कंपेयर करके। अगर एफ पी में नल है तो इसका मतलब है फाइल अच्छे से ओपन नहीं हुआ है, वहाँ पे एरर है और हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना है। पर अगर हमारा फाइल क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे वो इफ कंडीशन में
नहीं जाएगा क्योंकि यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है एफ पुट सी फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एफ पुट सी फंक्शन क्या होता है। तो उसके हिसाब से हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर जो हमें कैरेक्टर राइट करना है, दूसरा पैरामीटर जो हमें फाइल पॉइंटर पे राइट करना है, जो जिस फाइल पे राइट करना है उसका फाइल पॉइंटर। तो ये एफ पुट सी फंक्शन सक्सेसफुली वो सिंगल कैरेक्टर फाइल पे राइट कर देगा, फाइल पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देगा टू द नेक्स्ट पोजीशन। और ये अभी हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम ये फाइल यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर दिया हुआ है, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। तो दिस एफ पुट सी फंक्शन जो है वो हमें राइटिंग अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम करने में मदद कर रहा है। तो चलो मान लो कि अभी ये सिंगल कैरेक्टर फाइल पे राइट हो गया है, अभी यही हमें रीड करना है फ्रॉम द सेम फाइल, तो हम क्या यूज करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड आपको वही एक्सप्लेन करने वाला है कि अगर हमें अभी रीड करना है वही कैरेक्टर तो हमें क्या करना होगा। तो चलो देखते हैं व्हाट टू डू इफ टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, वो है एफ गेट सी फंक्शन। एफ गेट सी फंक्शन जो है उसके लिए हमें सिंगल पैरामीटर पास करना है, वो है हमारा फाइल पॉइंटर, और उसका रिटर्न टाइप जो है वो है इंटीजर। देखते हैं ये फंक्शन क्या करता है। तो ये फंक्शन हमें मदद करेगा रीड करने में। वो क्या रीड करेगा? तो वो रीड करेगा सिंगल कैरेक्टर। कहाँ से रीड करेगा? वो रीड करेगा वही सिंगल कैरेक्टर जहाँ पे हमने फाइल पॉइंटर पास किया हुआ है। जो फाइल पॉइंटर हमने पास किया हुआ है वो फाइल पॉइंटर जिस फाइल का एड्रेस स्टोर कर रहा है उस फाइल में से ये फंक्शन सिंगल कैरेक्टर रीड करने में हमारी मदद करेगा। और सक्सेसफुल रीड करने के बाद वो सेम कैरेक्टर रिटर्न करेगा। देखते हैं वो सब ये सब कैसे परफॉर्म करेगा। यही मैंने नेक्स्ट लाइन पे एक्सप्लेन किया हुआ है। वही कैरेक्टर रीड करने के बाद ये फाइल पॉइंटर नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा एंड उसके बाद वो हमें रिटर्न भी करेगा। अगर यही हमारा एंड ऑफ फाइल है तो वो एंड ऑफ फाइल वहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। जो पहला वाला प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था वो एग्जीक्यूट करने के बाद ही आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज ये प्रोग्राम आपको एरर देगा। क्योंकि मैं आपको रीज़न बताती हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल डॉट टी एक्स टी जो फाइल है वो रीड मोड में ओपन करने का मैं ट्राई कर रही हूँ। ये फाइल रीड मोड में कब ओपन होगा? अगर ये फाइल एग्जिस्ट है तभी ये हम रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। अगर हमारा ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो हम नॉट एग्जिस्टिंग फाइल रीड मोड में ओपन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जो पहला वाला राइट वाला प्रोग्राम था, राइट अ सिंगल कैरेक्टर ऑन टू द फाइल, आपको पहले वो एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। उसके बाद चलो मैं अभी अज्यूम करती हूँ कि आपने वो प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं? तो वही फाइल हम अभी रीड मोड में ओपन करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रीड करना है सिंगल कैरेक्टर, तो इसलिए हमें ये फाइल रीड मोड में ओपन करनी है। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल ओपन करता है तो उसका बेस एड्रेस एफ पी वेरिएबल में आ जाएगा, पर अगर ये सक्सेसफुली ओपन नहीं करता है तो ये एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करेगा, रिटर्न इफ कुड नॉट ओपन अ फाइल। तो अज्यूम करते हैं कि हमारा फाइल अच्छे से सक्सेसफुली ओपन हो रहा है।
तो अभी हमें ये फाइल ओपन करना है, रीड करना है, एक एक कैरेक्टर उसमें से रीड करना है। तो यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप लगा लिया है। वाइल कब तक करना है? कंटिन्यूसली आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस डू वाइल लूप, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड कर सकती हूँ अगर मैं ये ऐसे डू वाइल लूप लगा रही हूँ। लेकिन कंटिन्यूसली अगर मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये कभी तो भी रुकना चाहिए, कहाँ पे तो भी रुकना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो एफ गेट सी को मैंने एफ पी एसोसिएटेड फाइल पॉइंटर पास कर लिया, क्योंकि एफ पी में फ़िलहाल फाइल डॉट टी एक्स टी का बेस एड्रेस है। उसी फाइल से हमें कैरेक्टर रीड करना है, तो वो फाइल पॉइंटर मैंने पास कर लिया। अभी फाइल पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर होगा वो ये फंक्शन रीड करेगा और वो सेम कैरेक्टर सी वेरिएबल को रिटर्न कर देगा। तो ये सी वेरिएबल में क्या होगा, अभी कैरेक्टर ए आ जाएगा, क्योंकि हमारी फाइल में हमने ए कैरेक्टर राइट किया हुआ है। अभी हमें चेक करना है कि एंड ऑफ फाइल है या नहीं। अगर हमारा फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल को पॉइंट कर रहा है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, बट अगर एंड ऑफ फाइल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स। दिस एफ ई ओ एफ स्टैंड्स फॉर फाइंड एंड ऑफ फाइल फॉर द एसोसिएटेड फाइल ऑफ द फाइल पॉइंटर एफ पी। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं, अगर ये फॉल्स होता है उसके बाद सॉरी अगर फॉल्स होता है तो वो ब्रेक कंडीशन ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट क्या करेगा, वो सिंगल कैरेक्टर जो सी में स्टोर किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट कैरेक्टर वो रीड करने के लिए जाएगा बट उसमें है एंड ऑफ फाइल, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद वो फाइल क्लोज कर देगा एंड फंक्शन में से मेन फंक्शन में से रिटर्न हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, सिंगल कैरेक्टर राइट कैसे करना है और वही कैरेक्टर हमें रीड कैसे करना है। मल्टीपल कैरेक्टर अगर हमें रीड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपने पेशेंटली मेरा वीडियो देखा सुना। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट और ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को कमेंट देना ना भूलिए, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो आपको लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, उसके बाद आपकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल को रिंगिंग रखिए। ये रिंगिंग बेल आपको मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन देता रहेगा और आपको नए नए वीडियोस के लिंक्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको और आगे वीडियोस के शॉर्टकट्स दे रही हूँ, प्लीज़ वो आप देखिए जानिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।